हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है किस तरीके से फंक्शन करता है और इसका काम क्या होता है, आज हम हिंदी में देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। आज हमारे पास है यहाँ पे दो टाइप के कंप्रेसर से, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ओपन टाइप कंप्रेसर भी कहते हैं इसको। यानी इसको ओपन टाइप कंप्रेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको ओपन करके रिपेयर कर सकते हैं। जो हर्मेटिक सील कंप्रेसर रहते हैं वो नॉन रिपेलेबल रहता है। तो चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल है कैसा और रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से काम करेगी। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्रेसर के अंदर आपको दो लाइन होते हैं, एक डिस्चार्ज और एक सेक्शन लाइन। डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंप्रेसर जो है गैस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वेपर स्टेज में आपको कंडेंसर कॉइल में भेजता है। ये हमारी डिस्चार्ज लाइन हो गई है यहाँ से, और ये जा रही है यहाँ पे कंडेंसर कॉइल के अंदर। हमारे पास कंडेंसर कॉइल जो है वाटर कूल्ड कंडेंसर, यानी पानी से ठंडे होने वाला कंडेंसर है। कंडेंसर का फंक्शन ये होता है कि कंडेंसर जो है कंप्रेसर की गर्मी, यानी रेफ्रिजरेशन की गर्मी को, गैस की गर्मी को, फ्रियोन की गर्मी को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पे गैस का स्टेज जो है आपका चेंज होता है, वेपर से लिक्विड के अंदर गैस बन जाती है। जब वेपर से लिक्विड के अंदर गैस तब्दील हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, वहाँ से फिर हमारे रिसीवर के अंदर गैस आ जाएगी। गैस जब रिसीवर के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पे 100% गैस जो है पानी के स्टेज में रहेगी। लिक्विड स्टेज के अंदर से गैस जब निकलेगी तो आपके फिल्टर और ड्रायर के अंदर आएगी। फिल्टर और ड्रायर का काम ये रहेगा, ये आपका फिल्टर और ड्रायर हो गया, ये यहाँ से आउटपुट हो गया है रिसीवर से, ये हमारा फिल्टर और ड्रायर हो गया है। फिल्टर ड्रायर का फंक्शन काम ये होता है कि रेफ्रिजरेशन अगर से गैस के अंदर किसी भी तरह का कचरा होता है तो फिल्टर उसको छान लेता है, और ड्रायर का काम ये होता है कि किसी भी तरीके के अंदर गैस के अंदर कोई भी मॉइस्चर आ गया है, नमी जो कहते हैं, नमी आ चुकी है तो फिल्टर जो है वो नमी को ऑब्जर्व कर लेता है, सॉरी ड्रायर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर वहाँ से आपकी गैस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी साइड ग्लास से गैस रनिंग दिखा रही है। फिर यहाँ से हमारी गैस होके जाएगी हमारे इनलेट के अंदर, यानी हमारे कोल्ड रूम में, जो जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है वो वहाँ पे आपकी गैस चली जाएगी कूलिंग यूनिट के लिए। जब कूलिंग यूनिट से फिर रिटर्न आएगा बैक टू कंप्रेसर तो आपकी ये लाइन वापस आ रही है। यहाँ पे लगा हुआ होता है अक्यूमुलेटर लाइन, इसको कहते हैं अक्यूमुलेटर लाइन। अक्यूमुलेटर का फंक्शन ये होता है अगर से एवोपेटर के अंदर, यानी कूलिंग कॉइल के अंदर गैस जो है लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट नहीं, लिक्विड स्टेज से वेपर स्टेज में कन्वर्ट नहीं होती है तो एक्यूमुलेटर उसको यहाँ पे रोक लेता है, लिक्विड को रोक के वेपर में कन्वर्ट करके फिर दोबारा सेक्शन के थ्रू आपकी गैस जो है ये वाली लाइन आपकी सेक्शन लाइन के अंदर कंप्रेसर में आ जाएगी। यहाँ पे कंडेंसर में हमारी हीट एक्सचेंज हो रही थी और एवोपेटर कॉइल के अंदर भी हमारी हीट एक्सचेंज ही होगी। यहाँ पे लिक्विड से वेपर हो रहा था स्टेज, एवोपेटर कॉइल के अंदर आपको जो है लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होगा, वहाँ से आपको गैस चेंज होके आ जाएगी। ये हमारा कटआउट स्विच है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कटआउट स्विच है। हाई प्रेशर कटआउट स्विच यानी कंप्रेसर अगर से ओवरहीट होता है या हेड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो मोमेंट में हमारा कटआउट स्विच कंप्रेसर को कट कर देता है। ये लो प्रेशर है, अगर से गैस ऐसे लो सेक्शन ज़्यादा लो हो गया है, लीकेज होता है कहीं भी सेक्शन, लीकेज सेक्शन यानी गैस अगर से कहीं से भी कम आ रही है या फिर सेक्शन प्रेशर एकदम डाउन हो जाता है तो वो मोमेंट में हमारा कटआउट स्विच वहाँ पे कट कर देगा और हमारे कंप्रेसर को सेव करेगा। आइए देखते हैं कंडेंस वाटर कूल्ड कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है। वाटर कूल्ड कंडेंसर हमारे पास जो ये पानी से ठंडा होने वाला कंप्रेसर कंडेंसर जो है हमारे पास, ये कंडेंसर जो है पानी से ठंडा होता है, तो ट्यूब एंड ट्यूब भी कंडेंसर इसको कहते हैं। जो ठंडा पानी इसके अंदर दौड़ता है और गैस की गर्मी को लेकर एक्सचेंज हो जाता है, गैस को ठंडा कर देता है और पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ से देखिए आप, ये वाला जो है हमारे पास वाटर कूल्ड सिस्टम का, हमारे पास जो है यहाँ पे आपको वाल्व लगा हुआ है, ये पानी अंदर आने वाला वाल्व है और ये पानी बाहर जाने वाला है। तो जब भी हम सिस्टम को चालू रखेंगे तो हमारे को ज़रूरी है कि दोनों वाल्व भी हमारे ऑन होना चाहिए, यानी ठंडा पानी इसके अंदर से रनिंग होना चाहिए। अगर से ठंडा पानी इसके अंदर रन नहीं होता है तो वो मोमेंट में गैस की हीट एक्सचेंज नहीं होती है और वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप होने के चांसेस हो सकते हैं। ये हमारा चिल वाटर लाइनिंग है,
ये देख सकते हैं हमारी चिल वाटर लाइनिंग है ये वाली, जो अंदर हमारे कंडेंसर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा प्रेशर है पानी का, PSI गेज है कितना पानी हमारा आ रहा है, और ये हमारा वाटर टेम्परेचर स्केल है। तो वाटर कूल जो हमारा पानी आ रहा है, ठंडा पानी हमारा जो है 12 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अगर से सेल्सियस में देखेंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर से हम फारेनहाइट में देखेंगे तो ये समवेयर अराउंड आपका जो है 54 फारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा DRV वाल्व है जो हम रिटर्न में लगा हुआ होता है। वहाँ पे हमारी बाईपास लाइन है, ये वाली बाईपास लाइन है हमारी। ठीक है, अगर से फिटिंग केस ऐसा कुछ होता है तो उसको हम जो है बाईपास को ओपन कर देते हैं। अब आते हैं हमारा डिस्कनेक्टर की तरफ। ये हमारा डिस्कनेक्टर है 3-phase, और इसका ये हमारा ब्रेकर्स है, मेन ब्रेकर्स। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे 2 सिस्टम लगे हुए, ये हमारा जो ये जो है हमारा कूलर के लिए, और ये हमारा जो है ब्लास्ट चिलर के लिए। ये जो हमारा ब्लास्ट चिलर है ये -20 में रन करता है, और ये जो है हमारा +3 डिग्री में रन करता है। इसी की तरीके से ये वाला आज का वीडियो रहेगा आपके लिए, रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से आपको काम करेगा। अगर से आपको इस तरीके से और वीडियोस चाहिए रेफ्रिजरेशन के, ये तो अभी हमारा आउटपुट हो गया है और हम लोग इंडोर सिस्टम देखेंगे, यानी ये आउटडोर सिस्टम हो गया है। तो अगर से हम इंडोर सिस्टम में जब हम जाएंगे तो हम उसके वीडियो बना के डालेंगे आपको आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून।